हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज़ इंस्टीट्यूट में। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो पेपर वन है, पेपर वन का जो पार्ट ए है, उस पार्ट ए की जो पहली यूनिट है भारतीय इतिहास, उस पहली यूनिट को आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है कि संपूर्ण सिलेबस या संपूर्ण जो विषय हैं वो हम एकदम शून्य से पढ़ेंगे, जो कि पूरी तरह से नए सिलेबस पर आधारित होगा। जो हमारा नया सिलेबस अपडेट हुआ है आयोग द्वारा, उस नए सिलेबस के आधार पर हम पूरे टॉपिक को, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसे पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। हर एक चीज एकदम बेसिक से होगी। आपको इस प्रकार से यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा कि सिर्फ आप रटो नहीं, है ना। मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़कर चीजों को रटना है, ये बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर चीजों को पढ़ने के साथ साथ उन्हें एनालिसिस भी करेंगे, ताकि मेंस में हम जो प्रश्न हमसे एग्जामिनर पूछेगा, उन प्रश्नों का सही रूप से विश्लेषण करें, सही रूप से उन प्रश्नों को एनालिसिस करके हम हमारा उत्तर लिख सके, है ना। क्योंकि जब तक आप अच्छे से लिखना नहीं सीखोगे, तब तक एग्जामिनर जो है वो आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। स्कूलों में या कॉलेज में जिस टाइप से प्रश्न आते थे परीक्षा में, और हम उनके उत्तर लिख कर आते थे वहां पर, और यहाँ एमपीपीएससी का जो आयोग है, यहाँ जो मेंस में आपसे प्रश्न होंगे और जो आप उत्तर लिखोगे, तो कॉलेज स्कूल के उत्तरों में और आयोग वाले उत्तरों में बहुत अंतर है। यहाँ पर आपको प्रश्नों को एनालिसिस करके और आपको प्रश्न के उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ते हैं, जहाँ पर उन प्रश्न के उत्तर को पढ़कर एग्जामिनर को ये लगे कि सच में यह जो व्यक्ति है, यह जो स्टूडेंट है, यह जो बच्चा है, ये एक अधिकारी बनने लायक है। क्योंकि आप अधिकारी बनोगे, आपको कोई डिग्री नहीं यहाँ पर मिलेगी, या फिर आप कोई 10वीं 12वीं पास नहीं करोगे, उसका कोई आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको अधिकारी की पोस्ट अधिकारी की आपको पोस्ट मिलेगी। अब अधिकारी की पोस्ट मिलेगी तो आयोग जो है वो लिखित परीक्षा ले रहा है, वहां पर आप क्या करोगे, प्रश्नों को पढ़ोगे, उत्तर लिखोगे। तो आप जो उत्तर लिखोगे ना, वो उत्तर ही आपका विजिटिंग कार्ड है। कॉपी चेक करने वाला आपको नहीं जानता, कॉपी चेक करने वाले ने कभी आपको नहीं देखा, आप कैसे दिखते हो, आपका क्या नाम है, ये भी उसे नहीं पता। वो सिर्फ आपके रोल नंबर को जानता है, और आपने जो कॉपी में लिखा उसको पढ़कर ही वो आपके बारे में छवि बनाता है कि आप किस प्रकार के इंसान होंगे, आपकी सोच क्या होगी, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। आप अगर अधिकारी बनते हैं तो आप समाज हित के लिए क्या काम कर सकते हैं, आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, ये जो कुछ भी एक अधिकारी बनने के लिए जो गुण चाहिए ना किसी भी स्टूडेंट में, वो सारे के सारे गुण जो होंगे वो आपकी लिखी हुई कॉपी में ही एग्जामिनर ढूंढने की कोशिश करेगा। और जब एग्जामिनर को आपके उत्तर में वो गुण मिलेंगे कि हाँ सच में यह स्टूडेंट जो है अधिकारी बनने लायक है, तो आपको नंबर अच्छे देगा, और जब नंबर अच्छे मिलेंगे तो आपको पोस्ट अच्छी मिलेगी, आप अपनी जो अधिकारी बनने का जो सपना है उसे पूरा करोगे, ठीक है। तो मतलब जो असली खेल है वो असली खेल लिखने का ही है, जो असली खेल है वो आंसर राइटिंग का ही है। मतलब पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ चीजों को एनालिसिस करके उसको कैसे अच्छे से लिखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जो मेंस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी जो मेंस की क्लास स्टार्ट हो रही है, आज जो हम पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, पहले पेपर के पहले भाग की, तो इस पहली यूनिट का जो भी हमारा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में हम यही कोशिश करेंगे कि हम सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ आंसर राइटिंग पर भी हम बराबर फोकस करते हुए चले। क्योंकि जितना हमारा फोकस होगा आंसर राइटिंग पर, उतना ही हम मतलब जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा हम इसमें ज्यादा अपने आप को डेवलप करेंगे, और जितनी अच्छी हमारी आंसर राइटिंग होगी, जितना अच्छा हमारा प्रेजेंटेशन होगा, उतने ही ज्यादा चांस बन जाएंगे हमारे सिलेक्शन के, उतने ही ज्यादा चांस होंगे
अधिकारी बनने के। ठीक है स्टूडेंट, तो एकदम बेसिक बेसिक से, एकदम शून्य से हम शुरुआत करेंगे, छोटे से छोटे फैक्ट्स को भी समझेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर में अगर इतिहास में कुछ घटना ऐसी हुई तो उसके पीछे के क्या कारण है ना। इतिहास पढ़ाया और पढ़ा ही इसीलिए जाता है कि आप ऐतिहासिक घटनाओं से सीखो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की यदि घटना हो तो उस समय हमें क्या निर्णय लेना है वो हमें पता रहे, और भविष्य में भी हमें पता रहे कि भाई अगर मैं ये काम करूंगा तो इस प्रकार की घटना हो सकती है, क्योंकि इतिहास में भी ऐसा हुआ है, एक राजा ने, एक प्रशासक ने इस प्रकार के निर्णय लिए थे और वहां की प्रजा को ये नुकसान या ये लाभ हुआ था, है ना। तो आप अपने निर्णयों में भी इतिहास को याद रखो कि भाई इतिहास में ऐसी चीजें हुई थी, है ना। तो पूरा एनालिसिस करना है हमें यहाँ पर, फैक्ट्स को अच्छे से समझना है, पूरी तरह से हमें दिमाग में इन सारी चीजों को अच्छे से सेट करना है ना। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, चीजों को अच्छे से समझना भी होगा, है ना। एक अच्छी समझ जब आपकी सब्जेक्ट पर होगी ना, है ना, तब आप अच्छे से लिख पाओगे, और जब अच्छे से लिखोगे तभी आपको अच्छे से नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास की। अब शुरुआत करने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको सबसे पहले उन बातों को मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। देखो स्टूडेंट, लाइव क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस जो होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है ना, बच्चा ऑनलाइन क्लास अगर पसंद नहीं करता तो उसके पीछे का जो पहला कारण है वो पहला कारण यह है कि सर जब भी हमें कोई डाउट होगा तो हम टीचर से कैसे पूछेंगे, है ना। ऑफलाइन क्लास में होंगे तो कोई डाउट आया तो जाकर टीचर से सीधा पूछ लेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास में यदि कोई हमें डाउट आया तो हम कैसे टीचर से उस डाउट को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक बात सुनो, हमने डाउट के लिए स्पेशल फीचर्स दिए हैं मोबाइल एप्लीकेशन में। आपने अगर मोबाइल एप्लीकेशन देखा हो तो वहां पर आपने देखा होगा साइड में जो बटन है उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो वहां डाउट्स करके एक ऑप्शन दिखता है। तो आप इजीली कभी भी 2400 घंटे कभी भी जब भी आपको डाउट आए आप वहां पर तुरंत अपने डाउट को टीचर से पूछ सकते हो। दूसरी चीज जो हमारी क्लासेस है ना, जैसे जैसे क्लासेस, जैसे आज क्लास होगी, कल क्लास होगी, जो भी क्लासेस होगी, तो क्लास होने के बाद आपको वहां पर एक सेक्शन दिखेगा अपने लिए डाउट क्लास अरेंज करने का। आप जो है अपने स्वयं के लिए डाउट क्लास अरेंज कर सकते हो। आप जैसे ही, मैं पूरा आपको गाइड करूंगा कि कैसे डाउट क्लास को अरेंज करना है, तो आप जैसे ही वहां पर जो भी ऑप्शन रहेगा डाउट क्लास का आप क्लिक करोगे, वहां पर आपको पूरा समय दिखेगा कि भाई आपको कौन से समय पर डाउट क्लास रखना है। हमारे टीचर के जो जो शेड्यूल खाली होंगे वो शेड्यूल आपको दिखेंगे कि भाई 10 से 12 टीचर अवेलेबल हैं, 4 से 6 टीचर अवेलेबल हैं, 2 से 4 टीचर अवेलेबल हैं, सुबह 8 से 10 टीचर अवेलेबल हैं। तो जो भी टीचर के खाली स्लॉट होंगे आप उनमें से कोई भी अपने अकॉर्डिंग स्लॉट चूज कर लेंगे कि भाई मुझे 2 से 4 में डाउट क्लास लेना है, इस समय टीचर फ्री है, हम वहां बता देंगे कि ये टीचर के का फ्री समय है, इस समय टीचर फ्री है, आप डाउट क्लास ले सकते हो। तारीख भी आप डिसाइड कर लो कि भाई मुझे इस वार को डाउट क्लास चाहिए, मुझे आज ही चाहिए या कल ही चाहिए, जो भी होगा उसमें सब लिखा रहेगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप अपने लिए डाउट क्लास को शेड्यूल कर दोगे टीचर के पास तुरंत मैसेज चला जाएगा कि भाई इस नाम के स्टूडेंट ने अपने लिए डाउट क्लास जो है वो अरेंज की है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, टीचर आपको कॉल करेगा, टीचर आपसे पूछेगा कि भाई क्या डाउट्स हैं आपको। आप कहेंगे कि सर मुझे इतिहास में या मुझे भूगोल में, लोक प्रशासन में, समाजशास्त्र में मुझे ये डाउट्स हैं सर, और आप जो है मुझे बताएं। तो टीचर आपको कहेगा ठीक है, जो भी आपने शेड्यूल किया है उस शेड्यूल पर अपन कनेक्ट होंगे। तो जो भी आपका शेड्यूल है उस शेड्यूल में टीचर आपसे कनेक्ट होगा 1-to-1, है ना, लाइव क्लास के थ्रू ही टीचर जो है वो आपसे कनेक्ट होगा, आप टीचर से कनेक्ट होंगे, और क्लास में और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ आप रहेंगे और आपके टीचर रहेंगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपने टीचर को दिखाएंगे कि सर ये मेरे सारे डाउट्स हैं। आप अपने डाउट्स के सारे फोटोज भी ले लेना, तो टीचर आपको कहेगा कि भाई जो भी आपके डाउट्स हैं उनके फोटो सेंड करो। तो आप वही उसी क्लास में, लाइव क्लास में ही आप फोटो, हम ये ऑप्शन देंगे वहां अपलोडिंग का, तो आप अपने फोटोज को वहां अपलोड कर दोगे, टीचर उनको देख लेगा, और टीचर वहीं पर पेन पर ही पूरा समझाएगा, मतलब आपने जो फोटो अपलोड किया वो आपको भी दिख रहा है और टीचर वहीं पर आपको एक एक चीज समझा रहा है कि देखो ये जो लाइन लिखी है इस लाइन का ये मतलब हो रहा है, ये जो लिखा है इसका मतलब ये हो रहा है। आपको पूरा ऐसा लगेगा कि कॉपी बीच में रखी है, टीचर
इस साइड है और आप इस साइड हो और टीचर आपको कॉपी में एक एक चीज लिख कर समझा रहा है, जैसा ऑफलाइन में होता है ना कि टेबल पर कॉपी रखी है, आप टेबल के दूसरी साइड बैठे हैं और टेबल के इस साइड कुर्सी पर टीचर बैठे हैं और वो आपको सारी चीजें कॉपी में लिख कर समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं 1-to-1। तो बिल्कुल ऐसा ही फील होगा जैसे 1-to-1 ये सेशन हो रहा है, टीचर जो है आपको एक एक चीज समझा रहा है, मतलब डाउट की कोई समस्या ही नहीं है। डाउट अगर है तो उसको इतना खूबसूरत तरीके से हम सोल्व करेंगे कि आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आप ऑनलाइन क्लास में हो या ऑफलाइन क्लास में हो, आप अपने डाउट को इजीली पूछ पाओगे। आपके अगर डाउट ऐसे हैं तो टीचर को आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना, बहुत सारे ऑप्शन हैं डाउट क्लियर करने के, है ना, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डाउट्स क्लियर की बात। दूसरी चीज जो मैंने अभी कहा ना कि आंसर राइटिंग पर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, हमारी जो क्लासेस होगी इसमें सबसे ज्यादा फोकस ही हम आंसर राइटिंग पर करेंगे, मतलब पढ़ने पर फोकस करने के साथ साथ आंसर राइटिंग पर भी बराबर फोकस किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको पढ़ा कर छोड़ दिया जाएगा कि बस आप पढ़ लिए हैं और अब आपकी इच्छा पढ़े वो करो, बिल्कुल नहीं, आपको पढ़ाएंगे, पढ़ने के साथ साथ हम आपको लिखना भी सिखाएंगे कि आखिर में इस पढ़े हुए को लिखना कैसे है। ठीक है स्टूडेंट, और उसके लिए क्या होगा, तो आप एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, एप्लीकेशन में तीसरे नंबर पर बटन है मेंस क्वेश्चन एंड आंसर, एक स्पेशल फीचर हमने दिया है मेंस क्वेश्चन एंड आंसर का। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि आज क्लास हुई, आज क्लास में हमने जितना भी पढ़ा तो अगले दिन या हफ्ता में एक दिन, है ना, जैसे जैसे क्लासेस चलेगी वैसे वैसे इस समय को मैनेज किया जाएगा। तो या तो भी शुरुआत में सप्ताह में एक दिन संडे को या कभी भी एक दिन डिसाइड किया जाएगा, तो उस दिन क्या होगा, आपका मेंस का टेस्ट होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वहां आपको पेपर शो होगा, आप उस पेपर में से क्वेश्चन देखकर अपनी कॉपी में उत्तर लिखेंगे, सिंपल फोटो लेंगे और वहीं पर अपलोड कर देंगे, टीचर वहीं कॉपी चेक करेगा, आपको सारे जितनी भी गलतियां है वो आपको वहीं पर सेंड करेगा, आप अपनी गलतियों को देखोगे कि हाँ ये मैंने गलती की है। साथ में टीचर आपको हर क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन टीचर आपको देगा, हर क्वेश्चन का आपको मॉडल आंसर भी सेंड किया जाएगा, सेम वही एप्लीकेशन में कि भाई आप सबने ये आंसर लिखे हैं और इसका जो एक मॉडल आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, है ना, ताकि आप मॉडल आंसर को भी देख ले कि हाँ आपने इस प्रकार से लिखा, ये गलती आपने की और इसको अगर अच्छा लिखना हो तो वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। टीचर आपको हर क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी देगा, तो उससे क्या होगा, आप जब अगली बार लिखेंगे तो आप उस मॉडल आंसर को ध्यान रखेंगे कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन में इस टाइप से लिखना था, तो आप अगली बार और अच्छा करेंगे। तो इस प्रकार से आप निरंतर जब लिखते जाएंगे तो प्रैक्टिस तो होगी होगी, साथ ही साथ में आपकी जो उत्तर लेखन कला है उसमें बड़ा जबरदस्त निखार आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप जो है चीजों को लिखना सीखोगे। तो मतलब मेंस ओरिएंटेड हमने बहुत सारा काम एप्लीकेशन में भी किया है और मेंस ओरिएंटेड बहुत सारी चीजें हम जो है कर रहे हैं ताकि आपको ऑनलाइन क्लास में कभी भी ये फील ना हो कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको हमेशा यही लगेगा कि आप जो है ऑफलाइन ही हो और आपका टीचर आपके साथ है, एक पर्सनल मेंटर की तरह वो हमेशा आपके साथ है, एक पर्सनल ट्रेनर की तरह वो हमेशा आपके साथ है और आप जब चाहो उसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और आप पढ़ सकते हो। बस आपको एक काम करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा, आपको अनुशासन रखना पड़ेगा। अनुशासन कैसा, जो काम आपको दिया जाएगा वो समय पर आपको करना होगा। दूसरी चीज, आप जब क्लास ले रहे हो तो आपको बिल्कुल यही सोचकर बैठना होगा कि बस आप 2 घंटे की क्लास ले रहे हो, 1 घंटे की क्लास ले रहे हो, तो इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है ना, चाहे कुछ भी हो जाए आपको उठना नहीं है, जैसे कि क्लास में ही पढ़ रहे हो, है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, है ना, मतलब सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं है और फिर दोष देते हैं कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती है। अरे भाई आप जब ऑफलाइन पढ़ने जाओगे ना तो वहां पर भी आप क्लास में जरूर बैठे रहोगे, है ना, लेकिन आपका जो ध्यान है ना वो पूरा कहीं और ही चल रहा होगा, है ना, कि आज वहां घूमने जाना है, आज ये करना है, मतलब आप फिजिकली क्लास में रहोगे, मेंटली आप कहीं और रहोगे। ऑनलाइन क्लास में ये होता है कि आप फिजिकली भी नहीं हो और मेंटली भी नहीं हो, है ना, क्योंकि आप मोबाइल हाथ में ले लिया, मोबाइल में देखते जा रहे हो, कुछ और काम करते जा रहे हो, तो यार सीरियसनेस तो रखना पड़ेगी ना, आप सीरियस नहीं होंगे तो चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो किसी
किसी में कुछ नहीं हो सकता। तो आपको सीरियस बनना पड़ेगा, सीरियस आप जब पढ़ रहे हो तब बिल्कुल आप पढ़ रहे हो, है ना। देखो आप एक अधिकारी बन रहे हो, बच्चे नहीं हो, आप कोई कांस्टेबल पटवारी कोई ऐसी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हो जहाँ 2-4 घंटे भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, परीक्षा पास कर सकते हो। ये पीएससी है ना, ये आपको डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनाएगी। तो यहाँ पर आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, आपको नहीं ज्यादा तो शुरुआत में 4-5 घंटे 6 घंटे तो अपने आपको देने ही होंगे, है ना, क्लास के टाइम के साथ, है ना। मतलब 3 घंटे की क्लास हो गई तो कम से कम 2 घंटे और आप एक्स्ट्रा दे, है ना। और क्लास में भी 3 घंटे आप सीरियस होकर चीजों को समझे। क्लास नहीं ले पाए तो चलो ऑनलाइन में तो ये फायदा है ना, कि आप जो है बाद में पढ़ सकते हैं, है ना। अब ऑनलाइन के मैं आपको फायदे भी बता देता हूँ। ऑनलाइन क्लास अगर ले रहे हो समय आपका बच रहा है, ऑफलाइन पढ़ने जाओगे है ना तो वहां पर आने जाने का समय बर्बाद हो रहा है। क्लास खत्म हुई तो दोस्तों के साथ कहीं टपरी पर चलो एक चाय पी लेते हैं, लोग ये कर लेते हैं दोस्तों के साथ बात, मतलब 3 घंटे की क्लास साथ में 2 घंटे और वेस्ट हो गए, ठीक है। और ऑनलाइन में ये फायदा कि 3 घंटे की क्लास मतलब 3 घंटे जो वेस्ट हो रहे थे 2 घंटे वो आप पढ़ने पर लगा सकते हो। तो मतलब आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दो कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं होती या ऑफलाइन ही पढ़ाई अच्छी होती है, या ऑफलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं होती ऑनलाइन ही अच्छी होती है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए हमेशा पढ़ाई अच्छी ही है ना। क्योंकि ऐसे कई सारे उदाहरण भी हैं जिनके पास ना ऑनलाइन क्लास थी ना ऑफलाइन क्लास थी, है ना, वो दूसरों की किताबों से पढ़कर पता नहीं कहाँ पहुंच गए, है ना। अब्राहम लिंकन का आपने नाम सुना होगा, स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ा करते थे। तो अगर आपको सच में पढ़ना है, जुनून है, जज्बा है, पेशेंस है, तो फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती पढ़ने की। और अगर आपको पढ़ना नहीं है, बस शो करना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए तो आप कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऑनलाइन अच्छा है ना। यहाँ तो एक और फायदा ये है कि ऑफलाइन में मान लीजिए कि टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं समझ में आया, तो टीचर को आप दोबारा ये नहीं बोल सकते मुझे पूरा का पूरा वैसा का वैसा पढ़ाओ जैसा तुमने पहले पढ़ाया था। टीचर बस आपको बाद में थोड़ा बहुत समझा सकता है। लेकिन ऑनलाइन में तो ये है ना कि टीचर ने जो पढ़ाया था मान लो आपको समझ में नहीं आया, तो आप एज इट इज पूरा का पूरा फिर से समझ सकते हो, 10 बार समझ सकते हो, 10 बार उस क्लास को रिपीट कर करके देख सकते हो, है ना। तो देखा जाए तो ऑनलाइन जो है चीजें वो फायदे की ही है, फायदेमंद ही है। यहाँ पर बहुत सारा फायदा ही है आपका अगर आप इसको सही तरीके से लेते हो, सही तरीके से पढ़ाई करते हो। बाकी तो सब बहाने हैं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात है कि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, है ना। अगर भाई तेरे साथ ऐसा होता ना तो भी तू ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि जिन लोगों में पेशेंस है, जज्बे हैं, है ना, जिन लोगों में कुछ करने की हिम्मत है वो कुछ करके ही दिखाते हैं, है ना। लेकिन जिनको कुछ नहीं करना होता है उनको 2 रुपए चाहिए, आप 100 दोगे तो वो 500 की मांग की डिमांड करेंगे कि यार काश 500 होते तो फिर मैं ये कर लेता, है ना। तो सेम वैसा ही है कि अगर पढ़ते हुए किसी को किसी के पास सोर्स नहीं है तो वो यही कंप्लेन करेगा कि यार काश मेरे पास ये सोर्स होते, जब सोर्स होंगे तो वो कहेगा काश मेरे पास और सोर्स होते, है ना। जिसको नहीं पढ़ना है वो इसी टाइप से बहाने करता है कि मैं इसलिए फेल हुआ कि मेरे पास ये नहीं था। और जिनको पढ़ना होता है उनके पास कुछ सोर्स नहीं भी होता है फिर भी वो पढ़ते हैं। तो भाई आपके पास तो इतने अच्छे सोर्स हैं, आप तो उस युग में हो, टेक्नोलॉजी वाले युग में हो, तो आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़िए, सीरियस हो जाइए, अनुशासन में रहिए, है ना। अनुशासन का मतलब पढ़ने के समय पढ़ना, है ना। अनुशासन का मतलब वो नहीं कि अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के, बिल्कुल वो जो आर्मी वाले लोगों का अनुशासन होता है वो नहीं। अनुशासन मतलब पढ़ाई के प्रति अनुशासन, मतलब कि आप जब पढ़ने का समय है तो सिर्फ पढ़ना है ना। बिल्कुल कहीं और टाइम वेस्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी काम हो जाए, है ना। बहुत अर्जेंट है फिर देखेंगे, लेकिन कहीं शादी में जाना, दोस्त के वहाँ जाना, बर्थडे पार्टी मनाना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, तो ये सारी चीजें आपको स्किप करना ही पड़ेगी, है ना। और घर पर रह कर पढ़ोगे तो अच्छी चीजें ये भी है, घर वाले साथ हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट भी करते रहेंगे, है ना। घर वालों की जो गालियां है ना वही वास्तविकता में मोटिवेशन है। दूसरी चीज, घर का खाना भी आपको मिलेगा, कपड़े धोने की टेंशन नहीं, खाने की टेंशन नहीं, पीने की टेंशन नहीं, है ना। घर वालों के साथ भी, घर वाले भी सुकून में है ना, कि चलो साथ में ही है, फिर क्या चाहिए, एक कमरे में बैठ के बस आपको पढ़ना ही तो है ना, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के एकदम रिलैक्स होकर, है ना। और फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो कमी फिर किसी में नहीं है, कमी फिर आप में ही है ना, और किसी में कमी नहीं है, सिर्फ आप में वो कमी है, ठीक है स्टूडेंट। तो बिल्कुल बहानेबाजी आप बंद कीजिए और एक लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़िए। हम जरूर पास होंगे, जरूर सिलेक्शन लेंगे, ये सोच रखिए और इसी सोच के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें,
आपको क्लियर हुई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा था, और मेरे कहने का जो वास्तविक मतलब था वो यही था कि आपको चीजों को सीरियस होकर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जो परीक्षा योजना है ना, जो 2024 में जो सिलेबस अपडेट हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो आपके टोटल 6 पेपर हैं, और टोटल जो अंक हैं 6 ही पेपर को मिलाकर वो अंक हैं 1500। 185 नंबर का आपका इंटरव्यू है, और टोटल 1685 नंबर का आपका मार्कशीट बनेगी, है ना, किसकी, एमपीपीएससी की। 6 पेपर जो हैं उसमें 300 300 300 300 300, 4 पेपर 300 के हैं, 5वां पेपर 200 का है, और जो 6वां पेपर है वो 100 का है। 4 पेपर 300 300 मतलब 1200 के, तो ये 4 पेपर हो गए। एक पेपर जो 5वें नंबर का है हिंदी और व्याकरण, वो 200 का है, मतलब 1400 ये हो गए, और 100 नंबर का निबंध, मतलब 1500 हो गए, है ना। ये सिलेबस आपके पास होगा ही, है ना। सिलेबस हमेशा पढ़ते समय आपके साथ रहना ही चाहिए, और कैसा सिलेबस, हार्ड कॉपी में। सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवा लो, है ना, और उसको हमेशा अपने पास रखो। 10 20 30 40 50 रुपये 100 रुपये जो भी लगे उस सिलेबस को निकलवाने के, उतने खर्च करो, और आप उसको अपनी टेबल पर अपने पास रखो, है ना। सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब सिलेबस को अच्छे से आपको स्टडी करना है, एनालिसिस करना है कि भाई सिलेबस में जो 6 पेपर हैं उन 6 पेपर का क्या स्वरूप है ना। इतिहास कहाँ है, भूगोल कहाँ है, राजनीति कहाँ है ना, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, है ना। आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको पूरा दिखेगा, है ना। मुझे कोई बताने की जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लियरली यहाँ देख पाओगे, है ना। सारी चीजें आपको क्लियरली दिखेगी, सिलेबस में इतना अच्छे से लिखा है कि इसको कोई डिकोड करने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सिलेबस डिकोड कर दो। भाई कोई डिकोड करने की जरूरत नहीं है, डिकोड उसको किया जाता है जो पहले से कोड हो। सिलेबस में कोई कोडिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल डिकोडिंग की गई है। एक एक चीज शब्द समझाई गई है कि भाई सामान्य अध्ययन का जो पहला प्रश्न पत्र है, इस पहले प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, पहला भाग इतिहास है, दूसरा भाग भूगोल है ना। अब इसको क्या डिकोड करना, है ना। इतना अच्छे से तो एग्जामिन सिलेबस बनाने वाले ने एक्सप्लेन किया है ना। तो सिलेबस के जो 6 ही प्रश्न पत्र हैं, आपको इनको अच्छे से देखना है, अच्छे से आपको इनको एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस आप स्वयं करेंगे। क्यों स्वयं करेंगे, क्योंकि इससे ही आपकी एक आदत डेवलप होगी चीजों को एनालिसिस करने की। कैसे एनालिसिस करना है, पहला पेपर है, 2 भाग है, इतिहास है, भूगोल है, मतलब इतिहास 150 नंबर का, भूगोल भी 150 नंबर का, और ये दोनों मिलाकर 3 घंटे का, मतलब जो पहला पेपर होगा वो आपका 3 घंटे का होगा, दो उसके हिस्से होंगे 150 150 नंबर के, एक हिस्सा इतिहास वाला रहेगा, एक हिस्सा भूगोल वाला। फिर दूसरा पेपर है, एक हिस्सा राजनीति विज्ञान का है, दूसरा हिस्सा समाजशास्त्र का है, दोनों 150 150 के, 3 घंटे का दूसरा पेपर है। जो तीसरा पेपर है इसके 2 हिस्से हैं, पहले हिस्से में पूरा अर्थशास्त्र है, मतलब 150 नंबर का पूरा अर्थशास्त्र है, और जो 150 नंबर है उसमें विज्ञान, तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य है, जो कि 150 नंबर का है। फिर जो चौथा पेपर है, इस चौथे पेपर के जो 2 भाग हैं, तो पहले भाग में दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, लोक प्रशासन है, और केस स्टडी है, और जो दूसरा भाग है उसमें उद्यमिता है, प्रबंधन है, व्यक्तित्व विकास है, और केस स्टडी है, और जो 5वां पेपर है उसमें हिंदी है और व्याकरण है, और जो 6ठा पेपर है उसमें हिंदी निबंध है और प्रारूप लेखन है ना। प्रारूप लेखन का मतलब ये होता है कि जैसे आप छोटे अधिकारी हो, आप अपने बड़े अधिकारी को कोई पत्र लिख रहे हो, तो उस पत्र का क्या प्रारूप होगा, या बड़े अधिकारी हो छोटे अधिकारी को कोई पत्र लिख रहे हो तो उस पत्र का क्या प्रारूप होगा, आवेदन का क्या प्रारूप होते हैं, एप्लीकेशंस के क्या प्रारूप होते हैं, तो वो प्रारूप यहाँ पर हम समझते हैं, है ना, कि आखिर में जो पत्र व्यवहार होता है ना, एक जब आप अधिकारी बनोगे, है ना, जब आप सिस्टम में का हिस्सा बनोगे, तो वहां सारे काम पत्रों के द्वारा होते हैं, ना भी बातचीत जितने भी काम होते हैं ना वो पत्रों के द्वारा होते हैं। तो जो पत्र व्यवहार होता है ना, तो उनके क्या स्वरूप होते हैं, उनके क्या प्रारूप होते हैं, वो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, ताकि कल से आप डीसी बनो, डिप्टी कलेक्टर बनो, डीएसपी बनो, जब आप अपने वरिष्ठ या कनिष्ठ अधिकारियों को कोई पत्र लिखो तो आपको पता रहे कि भी इनके प्रारूप क्या है ना। कैसे कनिष्ठों को पत्र लिखा जाता है, कैसे वरिष्ठों को पत्र लिखा जाता है, आवेदन में क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं, सब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सब आपके वही काम की चीजें हैं जो एक अधिकारी बनने के बाद आपको काम आएगी, ठीक है। तो इस सिलेबस को आपको अच्छे से देखना है ना, कि 6 पेपर है, और 185 का जो है वो इंटरव्यू है ना। ये आपका पूरा सिलेबस है। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम पेपर 1, है ना। जो हमारा ये पेपर 1 है ना,
ये जो प्रथम सामान्य अध्ययन का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इस प्रथम प्रश्न पत्र का जो पहला भाग है इतिहास, जो कि परीक्षा में 150 नंबर का है, इसे हम शुरू कर रहे हैं। अब इसमें भी 5 यूनिट है, मतलब जो भाग है ना इतिहास, इस इतिहास में 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसी 5 यूनिट है। इस भूगोल वाले इसमें भी 5 यूनिट है ना। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इस पार्ट एक की जो पहली यूनिट है, जिस पहली यूनिट का नाम है भारतीय इतिहास, है ना, ये देखो ये खंड अ की इकाई 1 है ना, जो पहला भाग है ना, इस पहले भाग की है ना, पहला भाग कौन सा है, इतिहास। इस इतिहास की जो यूनिट 1 है जिसका नाम है भारतीय इतिहास, हम इस भारतीय इतिहास को स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना स्टूडेंट, वो स्टार्ट कर रहे हैं इस भारतीय इतिहास को, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, शुरू में भी समझाया था कि आखिर में भारतीय इतिहास क्या है। अब इस भारतीय इतिहास में जो हम पढ़ने वाले हैं, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। देखो राजनीतिक इतिहास में आता है जितने भी राजा वगैरह हुए, उन्होंने किस प्रकार से शासन चलाया, है ना, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणालियां रही, गणतंत्र रहा, राजतंत्र रहा, किस प्रकार की शासन प्रणालियां रही, उन प्रणालियों का क्या मतलब रहा, जो राजनीतिक व्यवस्था रही वो कैसी रही, प्रधानमंत्री है ना, या फिर जो राजा रहा है ना, उसने किस प्रकार से शासन चलाया, कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, वो प्रशासनिक अधिकारी क्या क्या काम करते थे, है ना, और उस समय का जो शासन था वो आज से बेहतर था या आज ज्यादा बेहतर है ना, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और जो आर्थिक इतिहास है, इस आर्थिक इतिहास में हम पढ़ते हैं कि आखिर में जो भारत था हमारा, उस भारत में इतिहास में जो राजा महाराजा रहे, तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाते थे, क्या वो कृषि से कोई टैक्स लेते थे, क्या कोई वो व्यापार पे टैक्स लेते थे, क्या वो लोगों की इनकम पर टैक्स लेते थे, वो कैसे पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, क्योंकि कोई भी राज्य तब ही चल सकता है जब उसकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो, जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। अमेरिका को हम आज विश्व में सबसे ताकतवर देश क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। हम आज भी हमारी तुलना अमेरिका से ही करते हैं ना, बोलते हैं ना कि $1 में इतने रुपये हैं, मतलब $1 की कीमत इतने रुपये हैं, है ना, तो मतलब आज भी हम तुलना ही कर रहे हैं ना। हमें हमारा उद्देश्य क्या है कि जब डॉलर और रुपया बराबर हो जाए, मतलब हम अमेरिका के बराबर हमारी अर्थव्यवस्था है ना, तो जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी वो ज्यादा ताकतवर होगा। तो इतिहास में जिन राज्यों की, जिन शासकों का जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो अच्छी थी, है ना, तो हम उस पर बात करेंगे कि आखिर में कैसे अच्छी थी, क्यों अच्छी थी, क्या कारण थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के, है ना, कैसे उन्होंने आर्थिक योजनाएं चलाई, ये सारी चीजें। सामाजिक स्थिति में वहां पर किस प्रकार से लोग रहते थे, समाज में क्या उच्च नीच थी, स्त्रियों की क्या दशा थी, है ना, बुजुर्गों की क्या दशा थी, क्या पर्दा प्रथा थी समाज में, क्या स्त्रियों का सम्मान होता था या नहीं होता था, है ना, शादी विवाह कैसे होते थे, क्या अंतर जाति विवाह होते थे, है ना, हम सारी सामाजिक इतिहास पढ़ेंगे पाषाण काल से लेकर हम वर्तमान तक का, कि भारत में क्या क्या इतिहास रहा सामाजिक। और सांस्कृतिक में आता है कि भैया जितना भी सांस्कृतिक है, जैसे कोई मंदिर वगैरह हो गया, है ना, उसके अलावा और भी कोई त्योहार वगैरह हो गए, भारत का जो भी कल्चर रहा, है ना, हम जनरली कल्चर से इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना, जैसे हम कोई कपड़े पहन रहे तो हम बोलते यही हमारा कल्चर है, हम कोई त्योहार मना रहे तो बोलते यही हमारा कल्चर है, हमारे मंदिर को देखो ये हमारा कल्चर है, मस्जिद देखो ये कल्चर है, है ना, तो जो कल्चरल जितनी भी चीजें, मतलब कल्चरल जितनी भी हिस्ट्री रही, हम उसको भी पढ़ेंगे कि आखिर में खजुराहो का मंदिर है तो आखिर में उसका क्या आर्किटेक्चर है, कैसे उसे बनाया, क्या सोच के साथ बनाया, है ना, उसी प्रकार से हम सारी चीजें यहाँ पर समझेंगे इस सांस्कृतिक इतिहास में। अब एग्जामिनर ने देखो इतना अच्छा और लिख कर दिया कि भैया आपको हड़प्पा सभ्यता से लेके 10वीं शताब्दी तक पढ़ना है, मतलब आप इस इकाई 1 में जो इतिहास पढ़ेंगे वो हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे, मतलब आप जो है पाषाण काल से नहीं पढ़ेंगे, आप हड़प्पा सभ्यता से पढ़ेंगे, है ना, तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक का हमें इतिहास पढ़ना है इन 4 बिंदुओं के आधार पर। फिर उसके बाद 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सीधा ही बोल देता कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर 18वीं शताब्दी तक का भारत का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास,
सोच रहे हो ना यार, सीधा ही बोल देता ऐसा, है ना, ऐसा सीधा ही बोल देता, क्यों दो लाइन में इसको कन्वर्ट किया भाई? इसमें भी बड़ा गूढ़ रहस्य है, आगे मैं समझाने वाला हूँ, है ना। जो समझदार होंगे ना वो समझ जाएंगे, है ना। देखना कि जब स्पष्ट लिखा है कि भारत का राजनीतिक आर्थिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक, और फिर कहा कि भाई 11वीं से 18वीं शताब्दी तक, और फिर लिख दिया कि राजनीतिक आर्थिक इतिहास, जबकि यहाँ इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, यहाँ जो बाद में लिखा था उसको पहले लिख दिया और आगे वाले को पीछे लिख दिया, तो क्या हमको बेवकूफ समझ रहा है क्या सिलेबस बनाने वाला, है ना। सीधा लिख देता भाई, क्यों इतने शब्द बिगाड़े कि 10वीं हड़प्पा सभ्यता से लेकर 18वीं शताब्दी तक, तो भी तो बात यही हो जाती, इस लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत क्यों पड़ी, आगे सब समझ आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट है, सल्तनत एवं मुगल शासक और उनका प्रशासन एवं मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय, है ना। ये तीन जो है उसने टॉपिक दिए हैं आपको पढ़ना है। पहले टॉपिक में आप भारत का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ोगे हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक, दूसरे में आप पढ़ोगे 11वीं से 18वीं शताब्दी तक, और तीसरे में आप सल्तनत और मुगल शासक, है ना, मतलब जो सल्तनत काल रही, जो मुस्लिमों का शासन रहा भारत में, तो तीसरी यूनिट में आप उन मुस्लिमों के शासन को पढ़ोगे जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, है ना, ये सारे आ जाएंगे, और मुगल भी उसमें शामिल होगा, है ना, उनका हम प्रशासनिक और जो भी इनकी सांस्कृतिक रही है ना, संस्कृति का जो अभ्युदय रहा है उसको पढ़ोगे, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक है ना, तो इन तीनों टॉपिक को हमें पढ़ना है, इन तीनों ही टॉपिक को हम इस इतिहास में समझेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे। चलिए अब थोड़ा और आगे समझते हैं। अब देखो कितने प्रश्न इस यूनिट से एग्जामिनर आपसे करेगा, है ना, यहाँ से टोटल कितने प्रश्न होंगे, मतलब जो पूरा पेपर है ना, ये पेपर होगा आपका 150 अंकों का, है ना, जो पेपर है आपका, ये पेपर होगा आपका टोटल 150 अंकों का। अब 150 अंकों का टोटल पेपर होगा, एक पेपर में यूनिट कितनी है स्टूडेंट, 5 यूनिट है ना, एक पेपर में 5 यूनिट है, टोटल है 150 नंबर, 150 अंक, मतलब एक यूनिट के कितने नंबर हो गए, 3 × 5 = 15, मतलब कि 30 नंबर की, प्रति यूनिट कितने नंबर की हो गई, है ना, हर यूनिट कितने नंबर की होगी, 30 नंबर की, 5 यूनिट जो है वो 150 नंबर की होगी मिला के, है ना, 150 अंकों का एक भाग होगा, जो पेपर वन का जो पहला भाग है ना, वो कितने अंकों का है, 150 अंकों का है ना। तो उसी प्रकार से पूरा पेपर 300 का है, एक भाग 150 का है, ठीक है, तो मतलब एक भाग में 5 यूनिट है, तो एक यूनिट कितने नंबर की होगी, 30 नंबर की होगी, 30 नंबर की एक यूनिट हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर आप आ जाओ, है ना, अब यहाँ पर आप आ जाओ, अब यहाँ पर उसने कितने हिस्से किए हैं, इसके सिलेबस के कितने हिस्से किए हैं, 3 हिस्से किए हैं ना, मतलब पहले तो ये बताओ कि इकाई वन जो है ये कितने नंबर की होगी परीक्षा में, ये 30 नंबर की होगी, है ना, ये जो एग्जामिनर पूछेगा ये 30 नंबर की पूछेगा, और इन तीन टॉपिक से प्रश्न होंगे, मतलब यहाँ पर जो सबसे मेन बात है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक जो टोटल नंबर के प्रश्न होंगे वो 10 नंबर के होंगे, 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो प्रश्न होंगे वो 10 नंबर के होंगे, और सल्तनत एवं मुगल शासक और उनका प्रशासन और ये पूरा जो है ये भी 10 नंबर का होगा, 10 नंबर का ये होगा, 10 नंबर का ये होगा, 10 नंबर का ये होगा, टोटल 30 नंबर की आपकी ये यूनिट होगी, है ना। पूरा जो पेपर है वो 300 का है, पेपर का एक भाग 150 का है, और एक भाग में 5 यूनिट है, मतलब प्रति यूनिट जो है वो 30 नंबर की है, तो एक इस पहली यूनिट में तीन पार्ट है, मतलब प्रत्येक पार्ट 10 अंक का है, और एग्जामिनर ने ये जो चीज अलग लिखी ना उसके पीछे भी कारण यही है कि आपको ये समझ आ जाए कि भाई हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है वहां से 10 अंक के प्रश्न होंगे, जो 11वीं शताब्दी से लेकर जो 18वीं शताब्दी तक का इतिहास है वहां से 10 अंक के प्रश्न होंगे, और इस तीसरे टॉपिक से भी 10 अंक के प्रश्न होंगे। अब मान लीजिए कि आपने ये अच्छा नहीं पढ़ा तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ मेरे 20 नंबर का तो मैंने सही पढ़ा है, या आपने जो सल्तनत है मुगल शासक की ये आपका अच्छा नहीं है, आपकी दो टॉपिक अच्छे हैं, तो उससे ये फायदा है कि भाई आपको पता है कि आपका ये 20 नंबर का पोर्शन अच्छा है। अगर इस पूरे को एक ही लिख कर दो पोर्शन में कंप्लीट कर देता तो
फिर 15 अंक का और 15 अंक का ये होता, हम ऐसा अनुमान लगाते कि 15 का ये होगा 15 का ये होगा, है ना। वहां पर थोड़ा किंतु परंतु वाली स्थितियां बन जाती, यार इस टॉपिक से इतना कुछ पूछेगा क्या, है ना। तो उसने अलग अलग करने के पीछे अपना ये दिमाग रखा, है ना। तो आपको भी सोचना है कि भाई ये अलग रखने का कारण क्या रहा, चाहता तो वो एक साथ लिख देता लेकिन अलग अलग लिखा, इसके पीछे का ये कारण है, ताकि 30 अंकों का 10-10 अंकों में अच्छे से डिवाइडेशन हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि भाई प्रश्न जो है वो किस हिस्से से कितना पूछा जाएगा, है ना। तो आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से कर पाओ, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या क्या होंगे, तो जो टोटल 150 अंकों का एक भाग होगा ना, उसमें टोटल 30 प्रश्न होंगे, है ना। टोटल कितने प्रश्न होंगे स्टूडेंट, टोटल जो प्रश्न होंगे वो 30 प्रश्न होंगे। अब देखो मैं प्रश्नों का भी यहाँ पर आपको डिवाइडेशन करके बताता हूँ, 30 प्रश्न होंगे टोटल। अब टोटल अगर 30 प्रश्न है, देखो यहाँ पे समझना, 15, 10 और 5, जो टोटल 5 यूनिट है ना, है ना, एक भाग भी 5 यूनिट है, तो उन 5 यूनिट से मिलाकर टोटल 30 प्रश्न होंगे। मतलब एक यूनिट के हिस्से कितने आ रहे हैं, एक यूनिट के हिस्से आ रहे हैं कितने प्रश्न, 6 प्रश्न, है ना। तभी तो 5 यूनिट में मिलाकर कितने प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न होंगे, है ना। 6 प्रश्न × 5 = 30, है ना। 30 प्रश्न होंगे, 150 अंकों के होंगे, 6 प्रश्न एक यूनिट से होंगे, एक यूनिट 30 अंकों की, 30 × 5 = 150, ठीक है। तो 30 × 5 = 150, 150 अंकों की पूरी यूनिट, और टोटल प्रश्न कितने 30, मतलब एक यूनिट से कितने प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे। अब प्रत्येक यूनिट में प्रश्नों का डिवाइडेशन कैसे होगा समझना, यहाँ प्रश्न कितने हैं 15, अगर मैं 15 प्रश्नों को 5 यूनिट में बांटू तो एक यूनिट के हिस्से में आ रहे हैं 3 प्रश्न, मैं 10 प्रश्नों को 5 यूनिट में बांटू तो एक यूनिट के हिस्से आ रहे हैं 2 प्रश्न, और मैं 5 यूनिट को एक हिस्से में बांटू तो एक यूनिट के हिस्से में आ रहा है 1 प्रश्न, ठीक है। अब हम इनके नंबर भी जोड़कर देख लेते हैं, 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 2 अंक का है, तो 3 प्रश्न मतलब कि 6 अंक ये हो गया, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 7, 2 मतलब 14 ये हो गए, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 10 अंक का है, कितना आएगा 1 मतलब 10 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 14 और 6 20 और 10 30, मतलब एक यूनिट ये हो गई हमारी 30 अंक की। मतलब जो हमारी ये यूनिट है ना स्टूडेंट, ये वाली जो यूनिट है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, है ना, ये वाली जो हमारी यूनिट है भारत का इतिहास, इस यूनिट से टोटल 6 प्रश्न होंगे, है ना। 30 अंकों के जो है टोटल 6 प्रश्न यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे, है ना। टोटल हमें 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, उन 6 प्रश्नों में 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो 2-2 अंक के होंगे, जिनमें आपको 20-20 शब्द लिखना होंगे, है ना। मतलब इस यूनिट में आपको 3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, है ना, आपको 3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो 2-2 अंक के होंगे और जो 20-20 शब्द के होंगे, मतलब टोटल आपको 60 शब्द यहाँ लिखना है ना। टोटल आप जो लिखेंगे यहाँ 60 शब्द टोटल आप लिखेंगे, ठीक है, टोटल आप 60 शब्द लिखेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा प्रश्न है वो 2 प्रश्न होंगे, ठीक है, 7-7 अंकों के, जिसमें आपको 60-60 शब्द लिखना है, कितने प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न होंगे, है ना। 3 प्रश्न तो 2-2 अंकों के, उसके बाद 2 प्रश्न होंगे 7-7 अंकों के, जहां आपको 60-60 शब्द लिखना है, मतलब 120 शब्द आपको फिर से लिखना है। और जो आखिरी प्रश्न होगा वो एक ही प्रश्न होगा, है ना, जो 200 अंकों में पूछा जाएगा और जो 10 नंबर का होगा, है ना। तो एक प्रश्न होगा जो 10 अंक का होगा, है ना, और जो 200 शब्द में आपसे पूछा जाएगा, मतलब टोटल वर्ड हो गए 200, तो टोटल वर्ड कितने हो गए 380। मतलब इस पूरी यूनिट को जब हम पढ़ेंगे ना, तो इतने मोटे आपके नोट्स बन जाएंगे। उन पूरे नोट्स में से परीक्षक मात्र आपसे परीक्षा में 400 शब्द ही पूछेगा, है ना। मात्र आपको उस पूरी यूनिट में से पेपर में जो उत्तर आप लिखोगे वो सिर्फ आप 400 शब्द ही लिखोगे, है ना। तो सोचो वो 400 शब्द कितने कीमती होंगे, है ना, कितने अच्छे होंगे जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, है ना। मात्र 400 शब्द पूछेगा, मात्र 6 क्वेश्चन आएंगे, है ना, इस पूरी यूनिट से मात्र 6 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, 2 क्वेश्चन आएंगे 7-7 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, है ना। टोटल 6 क्वेश्चन जो है वो इस पूरी यूनिट से होंगे, ठीक है, ये पूरा स्वरूप रहेगा इस यूनिट का, है ना। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन जो रहेंगे ये 20-20 शब्द के रहेंगे,
दो क्वेश्चन जो रहेंगे ये 60 शब्द के रहेंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा ये 200 शब्द का रहेगा। नंबर की बात करें तो ये दो दो अंक के होंगे तीन क्वेश्चन, है ना, मतलब 6 अंक। ये सात सात नंबर के होंगे दो, मतलब 14 अंक। और ये एक क्वेश्चन 10 अंक का होगा, मतलब कि 10 नंबर। तो कितने हो गए टोटल 30 नंबर। ये 30 नंबर की आपकी यूनिट होगी, 6 जिसमें से प्रश्न होंगे, ठीक है, और टोटल इतने आपके शब्द होंगे, है ना। ये शब्द टोटल जो इस यूनिट से आपसे एग्जामिनर पूछेगा, ये प्रश्न टोटल और ये अंक टोटल, ठीक है। बस एग्जाम में हमसे यही पूछा जाएगा, है ना, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। अब आप सोचो इस पूरे इतिहास में से, है ना, जो पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, एक ही प्रश्न बनेगा 200 अंक का, है ना। तो सोचिए वो प्रश्न कैसा होगा, और मैं बता भी दूं वो प्रश्न कौन सा होगा। वो प्रश्न कैसा होगा वो मुझे पता है ना, कि वो प्रश्न कैसा होगा अभी नहीं बताऊंगा, है ना, अभी जोश जोश में मैं बता देने वाला था पर अभी नहीं बताऊंगा। अब आप बोलोगे सर आपको इतना कैसे कॉन्फिडेंस है कि प्रश्न वही होगा, है ना, जो मैं बताऊंगा। तो देखो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अनुभव है, क्योंकि आयोग जो है ना कुछ पीछे क्लू छोड़ता है ना, कि 200 अंक का क्वेश्चन कौन सा होगा, है ना। तो कुछ हैं ऐसे दो चार टॉपिक जहां से वो 200 अंक का प्रश्न होगा, और आप देखेगा वो 200 अंक का प्रश्न वहीं से होगा। अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो फिर मतलब तो बोलते ना सार तो सबसे बाद में बताया जाता है, अभी बता दूंगा तो फिर मतलब ही क्या रहा भाई। अभी तो दूध को हम मथेंगे, है ना, दही को मथेंगे तभी तो छाछ और मक्खन मिलेगा। अगर मैं शुरुआत में ही मक्खन दूंगा, है ना, मैं शुरुआत में अमृत दे दूंगा तो जो समुद्र मंथन है वो प्रोसेस कहाँ जाएगी। अभी तो हमें मंथन करना है, अभी तो समुद्र मंथन करेंगे, है ना। एक तरफ आप होंगे, एक तरफ आपके विरोधी होंगे, है ना, एक तरफ देवता एक तरफ दानव। आप देवता की कैटेगरी में आ जाओ, विरोधियों को दानव की कैटेगरी में डाल दो, है ना, और फिर आप मंथन करोगे, है ना, बीच में हम रहेंगे, है ना, आप फिर मंथन करोगे और उसके बाद निकलेगा अमृत, है ना, और वो अमृत आप पीकर अधिकारी बनोगे। और अगर वो अमृत पहले ही पिला दूंगा तो फिर समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार जो हुए थे भगवान के वो पूरा कहाँ जाएगा। तो भी तो हमें बहुत मंथन करना है चीजों, वो सार बाद में बताएंगे, है ना, पर पता है कि वो कौन से टॉपिक है जहां से ये प्रश्न बनेगा, है ना, क्योंकि पीएससी बड़ा अच्छा आयोग है, है ना, मतलब पेपर के मामले में। बाकी स्टूडेंट के अपने अपने विवाद चलते ही रहते हैं, लेकिन पेपर के मामले में अच्छा इसलिए है क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक या कुछ कुछ हिंट वो दे देता है कि अब अगली बार क्या होने वाला है। चलिए तो ये पूरा यहाँ पर सेटअप रहने वाला है आपके प्रश्नों का, ये आपकी पूरी यूनिट्स हैं, है ना, और ये पूरे आपके अंक हैं। ये हमने पूरा समझा, ये हमने पूरा देखा, ये हमने पूरा जाना, मतलब हमें इतिहास की शुरुआत जो करना है वो हड़प्पा सभ्यता से करना है। हड़प्पा सभ्यता का हम राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि आखिर में क्या क्या आर्थिक इतिहास में हमें पढ़ना है, क्या क्या सांस्कृतिक में पढ़ना है, सारी चीजें बिल्कुल विस्तार से बेसिक से एक एक बिंदु पर बात करेंगे, एक एक बिंदु को समझेंगे। आपको मैं नोट्स भी दूंगा, साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है ना, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आप सीखोगे, है ना। नोट्स का मतलब ही ये होता है जो खुद के बने हो, है ना, दूसरों के नोट्स से नहीं पढ़ा जाता, नोट्स खुद के बनाए जाते हैं, है ना। तो नोट्स आपको खुद बनाना है, मैं खुद भी आपको नोट्स दूंगा, है ना, लेकिन फिर भी आपको लिखना तो है, जितना लिखोगे उतनी आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, है ना। तो वो लिखना है, हम आंसर राइटिंग पर भी पूरा काम करेंगे, आपके समय समय पर टेस्ट भी होंगे, मतलब सारी चीजें जो है हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, इस तरह से हमने डिजाइन किए कि मेंस में कोई भी कमी कहीं पर ना रहे। हम पढ़ाने पर और आपको ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो कंटेंट बिल्कुल एकदम अमृत वाला होगा, है ना, वो मंथन हम कर लेंगे, है ना, वो मंथन सारा हम करके आपको अमृत निकाल के देंगे। बस उस अमृत को आपको पीना है, है ना, पीना है मतलब क्लास लेना है, क्लास लो, अमृत पान करो और लो सिलेक्शन, है ना। बस सिलेक्शन के लिए दो चीजें जरूरी, अनुशासन और सीरियसनेस। आप अगर सीरियस होकर चीजों को पढ़ोगे, कोई किसी का दिमाग बहुत अच्छा है, वो एक घंटे में चीजें सीख रहा है, अरे भाई आपका दिमाग हो सकता है उससे 10% ही हो, आप 10 घंटे में तो सीखोगे, है ना। कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, दूसरे स्टूडेंट 1 घंटे में समझ गए हो, आप 10 घंटे में तो समझोगे। तो निरंतर प्रयास करते रहो, चीजें जरूर आपके फेवर में होगी। और जो भी लोग आज तक सिलेक्ट हुए हैं ना, वो भले कितना भी कुछ बोल दे कि मैं ये मैंने ऐसे पास हुआ या मैं वैसे पास हुआ, लेकिन वास्तविकता देखे ना स्टूडेंट, तो उन बच्चों ने बहुत मेहनत की है,
उन बच्चों की बहुत मेहनत रही है, उनकी जो पर्दे के पीछे की मेहनत है ना, वो आप कभी नहीं देख पाओगे कि वो कितनी रात जागे हैं, कब कब सुबह उठे हैं, अपनी कितनी भावनाओं को उन्होंने मारा है ना, अपनी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को किस तरह से उन्होंने दमन किया है, किस तरह से उन्होंने शादी अटेंड नहीं की है दोस्तों की, किस तरह से वो दोस्ती यारी में नहीं रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने शौक को खत्म रखा है, फिर वो जाकर अधिकारी बने हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि मोबाइल चलाएंगे दिन भर, शॉर्ट्स वीडियो देखने से, दिन भर गाने सुनने से, दोस्तों के साथ घूमने से, है ना, बाइक ड्राइव करने से और घूमने फिरने से अधिकारी बनते होंगे। नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ती है। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, भले वो कितना भी बोल दें, भले आप उनके बारे में कितना भी सुनो कि मैंने तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, बस मैंने तो यही किया था और मैं पास हो गया, पर ये भी उसने किया था ना, उसमें भी उसने बहुत मेहनत की। मतलब 100 बात की एक बात कि बिना मेहनत आपका भाग्य नहीं चमक सकता। आपका भाग्य तब ही चमकेगा जब आप मेहनत करोगे। मेहनत और सौभाग्य ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मैं नहीं, वैदिक ग्रंथ कहते हैं, है ना, जो ऋग्वेद वेद जो है ना, वेदों का ये ज्ञान है कि सौभाग्य और मेहनत ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप मेहनत करते जाओगे, आपका सौभाग्य उसके पीछे पीछे आता जाएगा, आपका भाग्य भी चमकता जाएगा। आप ऐशो आराम कंफर्ट जोन में रहोगे और आप सोचो कि बस मैं तो सौभाग्य से पास हो जाऊंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। तो आप बस मेहनत कीजिए, कंटेंट और क्लास का काम हम पर छोड़ दीजिए। हम आपको तगड़ा कंटेंट ला कर देंगे, है ना, जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। हम आप पर आंसर राइटिंग में आपके लिए फोकस करेंगे, आंसर राइटिंग में आपके लिए काम करेंगे ताकि आप उस कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, है ना। क्योंकि खाना बनाना आता है लेकिन उस खाने को सर्व करना नहीं आता, है ना, तो आपका खाना अच्छा नहीं दिखेगा तो कोई खाएगा नहीं। किसी के खाने में कम टेस्ट है लेकिन उसने सर्व बहुत अच्छे से किया है, प्लेट बहुत शानदार है, ऊपर से उसने प्याज वगैरह सलाद वगैरह रख के अच्छे से सजाया है ना। आपने देखा हो ना, हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ जो गाजर वगैरह होती है उसको अच्छे से फूल की डिजाइन में काट कर सब्जी के ऊपर रख दिया जाता है, कितनी प्यारी लगती है सब्जी का जो बाउल है वो देखने में, भले टेस्ट उसमें कुछ भी नहीं हो, है ना, लेकिन देखते ही ऐसा लगता है कि अब बहुत टेस्टी सब्जी होगी, बहुत अच्छी सब्जी होगी। तो उसी प्रकार से आपका उत्तर भी है, आपके पास कंटेंट बहुत सारा, आप लिखना नहीं आ रहा है ना तो वो कंटेंट किसी काम का नहीं, कंटेंट भी होना चाहिए और सही से उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, तभी आपकी वाहवाही होगी, तभी आपकी जो कॉपी एग्जामिनर देखेगा वो बिल्कुल अनुमान लगाएगा कि ये बहुत अच्छा लड़का है, ये अधिकारी बनेगा तो बहुत समाज के लिए काम करेगा, क्योंकि इसकी सोच और इसका जो चीजों का जो इसमें प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है ना। तो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, बस आपको दो काम करना है, अनुशासन में रहना है पढ़ते समय और आपको अपनी पढ़ाई के प्रति सिंसियर रहना है, बाकी बस आप मेहनत करते रहो, आप अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आप जरूर सिलेक्शन लेंगे, है ना, क्योंकि कोई इतना टफ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आज तक कोई नहीं कर पाया, जिन लोगों ने भी किया है वो सब आपके ही बीच में से रहे हैं, जिन्होंने परीक्षाएं पास की हैं, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। आप मेहनत तो करो, आप मेहनत करोगे जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। किसी भी समय पर डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जो डीमोटिवेट हो जाए वो अधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि अधिकारी के जीवन में तो निराशा होनी नहीं चाहिए, अधिकारी को तो हमेशा आशावादी होना चाहिए। आपको हमेशा आशावादी ही सोच के साथ आगे बढ़ना है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जो होगा देखेंगे, बाकी मेहनत पूरी करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, नहीं भी होगा वो अलग चीज है, लेकिन मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, है ना। इस आशावादी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, आप जरूर सिलेक्शन लेंगे। चलिए, तो ये आज जो हमारी पहली क्लास थी, इस पहली क्लास में हमने पूरा सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन लिया कि आखिर में किस प्रकार से हम चीजें पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से हम सारा करेंगे, किस प्रकार से सारी चीजें होगी, ये सारी चीजें हमने देखी। कल से मुख्य परीक्षा का जो हमारा पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात की हड़प्पा सभ्यता, उसे स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में सारी चीजें हम समझेंगे, सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, ऑल द बेस्ट।